दुआ से मैं ये पूछना चाहती हूँ, चलो एक गलत मेडिकल रिपोर्ट से तुम्हारी उम्र अराउंड 17 आ गई, जिसको चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन निकाह नामे में तो बेटा 18 साल लिखी है, और निकाह जिसने पढ़ाया है वो और विटनेस कराची में है और जेल में है, और वो इनकार कर रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ाया। कहाँ से ये इस्लामी हो गया? वालदेन की शादी को अब 17 साल 1 महीने हुए हैं, उनके पास निकाह नामा, उनके पास निकाह नामा, उनके पास जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल का यूसी, हॉस्पिटल के पेपर्स, यूसी का बर्थ सर्टिफिकेट, नादरा का बे फॉर्म, आपका पासपोर्ट, ये सब झूठे, सिर्फ आप सच्ची हैं। पहली बात तो ये है कि ये जब पेपर्स मौजूद हैं, या तो आप कहें कि हम नादरा पे ईमान नहीं रखते, या आप ये कहें कि बे फॉर्म गलत है, या आप ये कहें कि निकाह नामा गलत है, इस पर मेडिकल होना ही नहीं चाहिए। ये केस 10 तारीख को लगना था, जिसे इमरजेंसी में वाइंड अप करने के लिए आज लगाया गया, मुझे किसी ने नहीं बताया। सुबह SSP साहब की जब कॉल आई तो अल्लाह भला करे, एक जर्नलिस्ट भाई का, जिन्होंने मुझे सुबह मैसेज किया कि यार पुलिस ने ये केस आज पुट अप कर दिया है, आप फ़ौरन पहुँचें, ये तकरीबन 12 बजे के करीब, 11:30-12 बजे के करीब ये मामला लग जाएगा, आप फ़ौरन हाईकोर्ट में आए। जब मैं हम हाईकोर्ट में पहुँच गए, जिस हालत में भी हम थे, फटाफट उठे, सारे बच्चों को उठाया, सारे लेकर हाईकोर्ट में आए, तो SSP साहब की कॉल आई कि जी आपको पता चल गया होगा कि केस है। तो मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी, मुझे पता चल गया। जज साहब ने भी छूटते ही ये सवाल किया, पहला क्वेश्चन ही ये था कि 10 तारीख को आपका केस था, आप आज क्या करने आ गए हैं? तो उन्होंने कहा जी लाहौर में भी बच्ची का प्रोड्यूस करना है, हालांकि लाहौर वाला सिर्फ ये था कि बच्ची को कोर्ट्स में लाना है। बच्ची चाहे कराची में आ गई, कोर्ट में आ गई, वो बच्ची को सिर्फ इसलिए कि बच्ची को उन्होंने देखना था कि बच्ची जिंदा है। निमरा काजमी और दुआ जहरा, ये दोनों भागकर शादी करने पर मजबूर हुईं। दोनों की उम्रें कम थी, लेकिन इतना इंतजार भी नहीं हो सका कि आईडी कार्ड तो बन जाने दें। मेरी नज़र में दो किस्म के लोगों का कसूर है, एक माँ बाप का जिन्होंने एक तो इतनी आज़ाद परवरिश की कि अच्छे और बुरे की तमीज़ ही नहीं सिखाई, और दूसरा ये मीडिया जहाँ ड्रामों में देवर का ताल्लुक भाभी से, ससुर का ताल्लुक बहू से, बॉस का अपनी सेक्रेटरी के साथ, और पता नहीं क्या क्या गनबला।